हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo Y1s एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है स्क्रीन कलर सेटिंग को अपना यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये स्क्रीन कलर सेटिंग जो है कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन कलर, इसे सेलेक्ट करना है। अभी स्क्रीन कलर का पेज ओपन होगा, इसमें देखिए नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, इनका मैं आपको यूज बता देता हूं। देखिए आपका ना इनमें से किसी भी एक ऑप्शन पे पहले से टिक मार्क लगा होगा, जैसे मेरा ये यहां पर मैंने इसे स्टैंडर्ड पे लगा लिया है अभी आपको समझाने के लिए, ठीक है। अगर आप इसे प्रो पे सिलेक्ट करेंगे तो आपके मोबाइल फोन का स्क्रीन का कलर ना हल्का सा रेड हो जाता है, हल्का सा, ठीक है। आपको शायद मेरे सेकंड कैमरे से इसका कलर चेंज होता हुआ दिखाई नहीं दिया होगा, ठीक है। अगर आप इसे जो है इसे ब्राइट पे सिलेक्ट करेंगे तो इसका कलर जो है ना बिल्कुल ही व्हाइट सा हो जाता है, ठीक है। आप इस सेटिंग में ना चेंजेस करके देखिए अपने मोबाइल फोन में आपको कलर चेंज होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए अगर इसे नीचे कलर टेम्परेचर एडजस्टमेंट, इसमें एक पॉइंटर दे रखा है लाइन पे, इस पॉइंटर को अगर आप इसे लेफ्ट में करेंगे तो आपकी स्क्रीन का कलर बिल्कुल ही व्हाइट हो जाता है, ठीक है। और अगर आप इसे जो है ना यहां पर इसे राइट में कर देंगे यहां पर, तो आपकी स्क्रीन के कलर के ऊपर हल्का फुल्का रेडपन आ जाता है। देखिए मैं इस पॉइंटर को ना जल्दी जल्दी यहां पर देखिए करता हूं तो स्क्रीन का कलर आपको दिख रहा होगा चेंज होता हुआ, आप ध्यान से देखिए मेरे फोन की स्क्रीन पे, ठीक है। तो यहां पर जो है ना इस तरीके से आप यहां से कलर टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसे डिफॉल्ट पे सिलेक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, आपके फोन का जो स्क्रीन का कलर है वो आपके मोबाइल फोन की डिफॉल्ट सेटिंग के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे सेटिंग को यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको इस सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूं आपके मोबाइल फोन में। इसके लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर ये सर्च आइकन सेलेक्ट करना है और यहां पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है स्क्रीन कलर, ठीक है। तो आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा स्क्रीन कलर, इसे सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में लेकर आ जाता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।